तो दोस्तों, आज इस वीडियो में एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आजकल सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं और वो जिस भी राह से गुजरते हैं लोग उन पर फूलों की बारिश कर रहे हैं और वो शख्स हैं शिहाब चतुर। आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिहाब चतुर के लाइफ स्टाइल के बारे में और उनके बारे में जानकारी आपको देंगे। यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखें। अगर आपको शिहाब चतुर पसंद है या आप उनके फ़ैन हैं तो एक कमेंट जरूर कर दें कि आई एम फैन ऑफ शिहाब चतुर, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। शिहाब चतुर को कुछ समय पहले तक कोई नहीं जानता था, लेकिन कुछ समय से इंटरनेट पर उनके बारे में बहुत से लोगों द्वारा सर्च किया जा रहा है। शिहाब चतुर केरल मल्लापुर के रहने वाले हैं। इन्होंने केरल से हज तक पैदल यात्रा करने के लिए कुछ समय पहले अपने घर से निकले थे। हालांकि जब उन्होंने अपनी हज यात्रा शुरू की तब उन्हें भले ही कोई नहीं जानता था, पर अब वे लगभग 2 महीने बाद सोशल मीडिया के छाए हुए हैं। बहुत से रीजनल और नेशनल न्यूज़ द्वारा भी इनकी लाइव यात्रा का प्रसारण किया जा रहा है। हालांकि इतना लंबा सफ़र करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। शिहाब ने बताया कि उन्हें यात्रा से पहले काफ़ी सारी तैयारियां करनी पड़ी। बता दें, हज तक जाने का सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला है, और जब बात पैदल जाने की हो तो वह लगभग भी असंभव जैसा मालूम होता है। लेकिन इस असंभव काम को संभव करने वाले शिहाब चतुर केरल भारत से सऊदी अरब हज तक सफल करने के लिए पैदल यात्रा पर निकल पड़े हैं। बताया जा रहा है उन्हें इस यात्रा में लगभग 1 वर्ष का समय लगने वाला है और इस सफ़र को पूरा करने के लिए उन्हें कई देशों से होकर गुजरना पड़ेगा। अगर साहब की पर्सनल जिंदगी की बात करते हैं तो उनकी शादी हो चुकी है, उनकी एक बेटी भी है और वो अपने परिवार के साथ केरल में ही रहते हैं। शिहाब के एक भाई और एक बहन भी है। शिहाब चतुर ऐसा नहीं है कि पहली बार सऊदी जा रहे हैं। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो तकरीबन 6 सालों तक सऊदी अरब में रहे हैं। उन्होंने सऊदी अरब में 6 सालों तक नौकरी की है, उस दौरान उन्होंने उमरा भी किया था। अगर शिहाब चतुर ने अपना हज पूरा कर लिया तो 21वीं सदी के ऐसे पहले भारतीय होंगे जिन्होंने भारत से पैदल ही हज यात्रा की होगी। अब उनके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जान लेते हैं कि वह क्या करते हैं। हिंदुस्तान के आखिरी छोर केरल के मल्लापुरम के रहने वाले जिले कोटकपल के पास अटावनाड से निकलकर पैदल ही 8,640 किलोमीटर की हज यात्रा पर निकलने वाले शिहाब चतुर एक यूट्यूबर और सिंगर हैं। उनके यूट्यूब चैनल को लगभग 5 लाख लोगों ने सब्सक्राइब भी कर रखा है। हज की यात्रा पर निकलने से पहले वो YouTube पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे हैं। वो अपने YouTube चैनल पे अपनी निजी ज़िंदगी से जुड़ी हुई जानकारियों की साझा करा करते थे। उनके YouTube पर सिंगिंग से जुड़ी काफ़ी वीडियो भी डाल रखी हुई है। शिहाब चतुर अपनी लंबी हज यात्रा के लिए पैदल चलने की प्रैक्टिस 1 साल से ही करनी शुरू कर दी थी। उन्होंने अपना रूट भी डिसाइड पहले से ही कर लिया था, जिस रास्ते से होकर इस यात्रा के दौरान गुजरना होगा। इसके अलावा उन्होंने अपने ट्रैवल इंश्योरेंस बीमा भी करवा लिया था। शिहाब अपनी यात्रा के अपने साथ एक बैग लेकर चल रहे हैं, जिसमें उनके 4 ट्राउज़र, कुछ शर्ट, अपने जीवन जिंदगी जीने के लिए कुछ ज़रूरी सामान हैं। शिहाब को नहीं पता था कि उनकी ये यात्रा दुनिया भर में इतनी ज़्यादा फेमस हो गई है कि उनके स्वागत के लिए लोगों की भीड़ उमड़ने लगेगी। वो अपने साथ एक चादर और कैंपिंग का कुछ सामान लेकर निकले थे ताकि वो रास्ते से होकर सोकर अपनी नींद पूरी कर सके, लेकिन अब फिलहाल उनको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब वह जहाँ से भी होकर गुजरते हैं उनकी मेहमान नवाजी के लिए कोई उन्हें रास्ते में ही मिल जाता है। आपको बता दें कि साहब एक दिन में तकरीबन 25 किलोमीटर का सफ़र तय कर रहे हैं। अगर वह इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहें तो तकरीबन फरवरी 2023 तक काबे तक पहुँच जाएंगे। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि शिहाब चतुर की लाइफ स्टाइल के बारे में। अगर आपका इस वीडियो से थोड़ा सा भी मनोरंजन हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो पाए।